हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी गोइंग टू रीड अबाउट आवर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फिफ्थ, चैप्टर 5. वी हैव रीड अवर 4 चैप्टर. नाउ वी रीड फिफ्थ चैप्टर्स, एडिंग कलर, यानी कि कलर्स को ऐड करना या मिक्स करना या जोड़ना. जोड़ने से मतलब यहाँ पर दो कलर को मिलाना, यानी कि कलर को मिलाना, मिक्सअप करना. यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है. डू यू लाइक ड्राइंग, क्या आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं? तो यस, आई लाइक ड्राइंग. विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो माय फेवरेट कलर इज़ रेड, मेरा फेवरेट कलर रेड है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वी कैन गेट वेरियस अदर कलर्स बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर्स. क्या आप जानते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं कई सारे दूसरे कलर दो अलग अलग कलरों को मिलाकर, यानी कि दो कलर मिलाकर हम एक नया कलर बना सकते हैं? क्या आप ऐसा जानते हैं? तो यस, वी कैन गेट वेरियस अदर कलर बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर. हाँ, हम जानते हैं कि दो कलर मिलाकर हम एक नया कलर बना सकते हैं. लेट्स रीड दिस कलरफुल पोएम एंड फाइंड आउट हाउ. हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसमें प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से कलर मिलाकर कौन सा एक नया कलर बनता है. तो यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेंजा, एडिंग वाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे. Adding yellow to blue, we get green. Our house should always be tidy and clean. इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि adding white to black, यानी कि सफ़ेद और काला कलर, white और black कलर हम add करेंगे या mix करेंगे तो we get grey. हम कौन सा कलर बनेगा? We get grey, grey कलर, यानी कि स्लेटी कलर. एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, प्रत्येक दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए. एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, और हमें येलो और जब ब्लू कलर हम ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे, है ना, येलो और ब्लू कलर जब हम मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर. आवर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन, और हमें हमारा जो घर है वह हमेशा टाइडी यानी कि साफ, स्वच्छ, क्लीन यानी कि साफ, और टाइडी यानी कि स्वच्छ, यानी साफ स्वच्छ रखना चाहिए. यहाँ पर स्टेंजा का मीन्स समझाया गया है. इन द स्टेंजा ऑफ पोयम, इस पोयम के स्टेंजा में द पोएट टीचेस अस, कवि हमें सिखाता है कि टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, दो वस्तुओं के बारे में हमें सिखाता है. द फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु ये इज टू कीप द साउल क्लीन बाय प्रेयरिंग टू गॉड एवरी डे. यानी कि हमें पहली वस्तु हमें यह सिखाता है कि हमें भगवान से प्रत्येक दिन हमारी आत्मा को साफ रख के प्रेयर करनी चाहिए. एंड अनादर थिंग, और दूसरी चीज़ ये सिखाता है इज़ टू क्लीन होम, और हमारे घर को क्लीन रखना. अकॉर्डिंग टू पोएट वी गेट ग्रे कलर वैन वी मिक्स वाइट और ब्लैक कलर टूगेदर. यानी कि पोएट कवि के अनुसार जब हम हमें ग्रे कलर कैसे प्राप्त होता है? जब हम वाइट और ब्लैक कलर को मिक्स करते हैं तो हमें ग्रे कलर बनता है. इन सेम वे व्हेन वी मिक्स येलो, जब हम उसी तरह से हम येलो और ब्लू कलर मिलाएंगे तो हमें ग्रीन कलर प्राप्त होगा. द पोएट फर्दर एडवाइज अस दैट वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, शुड कीप अवर होम नीट एंड क्लीन. और कवि हमें एडवाइस देता है कि हमें हमेशा भगवान से प्रत्येक दिन यानी रोज़ाना प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे घर को नीट एंड क्लीन यानी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. अब हमारा सेकेंड पैराग्राफ, एवरी थिंग इज़ अवर होम शुड बी वेल अरेंज एंड प्रॉपरली प्लेस्ड. Adding white to red, we get pink. Morning and evening milk us must drink. Adding yellow to red, we get orange. After buying something, we should count the change. Adding blue to red, we get purple. Mummy and Papa make a lovely couple. Every day in our home, यानी कि
प्रत्येक वस्तु, हमारे घर की प्रत्येक वस्तुओं को शुड बी रखा जाना चाहिए वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली प्लेस, सही स्थानों पर और बिल्कुल सही तरीके से रखा जाना चाहिए। एडिंग वाइट टू रेड, जब हम वाइट और रेड कलर को मिक्स करेंगे तो पिंक कलर बनेगा। मॉर्निंग और इवनिंग मिल्क अस मिल्क वी मस्ट ड्रिंक, और हमें सुबह और शाम क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। एडिंग येलो टू रेड, जब हम येलो और रेड कलर मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर प्राप्त होगा। आफ्टर बाइंग सम थिंग्स वी शुड काउंट द चेंज, और जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता है तो हमें उससे गिनना चाहिए। एडिंग ब्लू टू रेड वी गेट पर्पल, यानी कि हम यदि हम किसी दुकानदार के पास कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जब बदले में वह हमें सामान खरीदने के बाद जो चेंज देता है उसको हमको गिनना चाहिए। एडिंग ब्लू टू रेड, और ब्लू और रेड को ऐड करने पर पर्पल कलर प्राप्त होता है या बनता है। मम्मी एंड पापा मेक ए लवली कपल, और मम्मी और पापा एक बच्चे के लिए अच्छे कपल कहलाते हैं। यहाँ पर स्टेंजा में दिया हुआ है, इन द स्टेंजा ऑफ पोयम, इस पोयम के स्टेंजा में द पोएट टीचेस थ्री गुड थिंग्स, तीन वस्तुओं हमें बताती हैं। एक नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कलर आफ्टर मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर, इसमें हमें ये बताती है कि हम दो कलर को मिक्स करके एक नया नए कलर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन यानी कि हमें एक नया कलर फॉर्मेट मिलता है या उसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के कवि के अनुसार, व्हेन वाइट एंड रेड कलर आर मिक्स्ड वी गेट पिंक कलर, कवि के अनुसार जब हम वाइट और रेड को मिक्स करेंगे तो पिंक कलर बनेगा। व्हेन येलो एंड रेड कलर आर मिक्स्ड वी गेट ऑरेंज कलर, और जब हम येलो और रेड को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बनेगा। इन सेम वे, उसी प्रकार से जब हम ब्लू और रेड कलर मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनेगा। बिसाइड द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कलर्स, इसके अतिरिक्त हमें नए कलर की जानकारी भी प्राप्त होती है। द पोएट एडवाइजेज अस दैट वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और कवि हमें एडवाइस देता है कि हमें सुबह शाम प्रत्येक दिन सुबह शाम हमें दूध पीना चाहिए। वी शुड बी केयरफुली अबाउट द चेंज ऑफ और मनी विच वी गेट फ्रॉम शॉपकीपर आफ्टर पेइंग हिम फॉर समथिंग, और हम जब भी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले में जो चेंज मिलता है उसे हमें काउंट करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और हमें हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि दे आर द बेस्ट कपल, क्योंकि वे एक बेस्ट कपल है फॉर देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चों के लिए। तो आपका यह चैप्टर फिनिश हुआ। एडिंग कलर, एडिंग कलर आपको ये समझ में आया कि आप इसको घर पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप जो आपके कलर्स आते हैं लिक्विड कलर या स्केच कलर को मिक्स करके आप इन नए कलरों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वाइट और ब्लैक को आप मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ग्रे कलर, और येलो और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो बनेगा ग्रीन कलर, वाइट और रेड को मिक्स करेंगे तो बनेगा पिंक कलर, येलो और रेड को मिक्स करेंगे तो बनेगा ऑरेंज कलर, ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो बनेगा पर्पल कलर। तो आप ये पांच कलर आप नए बना सकते हैं, घर पर आप ट्राई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन या ग्रुप के माध्यम से आप अपने मिक्स कलर को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।